नमस्कार, न्यूज टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज बात 12वीं के पास करने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल अगर आप यूपी पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है, ये जानकारी आपसे जुड़ी है और आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। वो क्यों? दरअसल आपको बता दें कि यूपी पुलिस अगले 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है और इसकी खुद घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो आज हम इसी पर गौरव चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं खासा इंतजार युवाओं को रहता है और युवाओं के लिहाज से अगर इसे कहा जाए बड़ी सौगात या बड़ी खुशखबरी तो गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस प्रकार से यूपी में इस वक्त बेरोजगारी का जो आलम वो किसी से छिपा नहीं है। अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की भी बात करें तो उस प्रकार से वैकेंसियां आई नहीं कि जिस प्रकार से युवा शिफ्ट हो सके सरकारी नौकरियों में। अभी भी कई ऐसे विभाग है जिसमें 1-2 लाख नौकरियां ऐसे भी अभी भी बाकी है। आपको याद होगा कि मैनपुरी में जब सीएम योगी गए थे तो उन्होंने वहां से रैली में एक वादा किया था, घोषणा किया था कि मैं आने वाले समय में 2 लाख पुलिस भर्ती करेंगे, जिसमें 60,000 की तो प्रक्रिया चल रही है। एग्जामिनेशन हो गया, आंसर की भी आ गया है, जल्द ही रिजल्ट का भी जहां तक अनुमान है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट भी आ जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। चीजें जिस प्रकार से निकल कर सामने आ रही हैं कि जो 2 लाख नौकरियों की बात की गई थी उसमें से 60,000 की भर्ती ऑन प्रोसेस है, 40,000 वैकेंसी और निकालने की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी जल्द होने वाली है। तो इसी को लेकर युवाओं के लिए खुशखबरी है। हालांकि अब जैसे इसे अभी ये ऑन प्रोसेस है जो 60,000 वैकेंसी है, इसमें 50,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। हालांकि 6-7 लाख छात्रों ने अपना फॉर्म परीक्षा देने ही नहीं गए थे, परीक्षा जहाँ उनकी सेंटर थी वहाँ परीक्षा नहीं, 42 लाख के लगभग छात्रों ने परीक्षा दिया था। तो यानी उन छात्रों के लिए एक बेहतर मौका ऐसे कहा जा सकता है कि जो इस परीक्षा में नौकरियाँ आती हैं तो छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार का अवसर तो होता ही है। हर प्रकार, देखिए आज के समय में अगर हम बात करें यूपी में तो इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारे ऐसे जगह है जहाँ छात्र अपना घर द्वार छोड़ के आते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए। इलाहाबाद में आप जाइए, हर एक गलियों में जाइए, आपको वो प्रतियोगी छात्र आपको नजर आ जाएंगे, वो जूझते हुए नजर आएंगे भविष्य को संवारने के लिए, किस प्रकार से वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें जब वैकेंसियां आती हैं तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ता है उन पे, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से छात्रों का मनोबल भी होता है, वो आगे की पढ़ाई के बारे में सोच भी पाते हैं। लेकिन जो ये भर्तियों की बात है, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है कार्यक्रम के दौरान, अगर इसको धरातल पर उतारे जाने की बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर देखी जाए और साथ ही साथ किन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है? आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले अखिलेश यादव एक डेटा दिया करते थे, जब ये पुलिस भर्ती की, जब ये जो अभी पुलिस वैकेंसी की जो भर्ती की दोबारा रीएग्जामिनेशन हुआ उसमें जब उसके पेपर लीक हुए तो एक व्यक्ति से उन्होंने 3 लोगों को जोड़ा था कि 1:3। तो अगर हम उस फॉर्मूले पर ही चले तो अगर 40,000 आ रहा है, 40,000 वैकेंसी है तो 40×3 करें 1,20,000 लोगों का भला होगा। अगर 2 लाख ऐसे वैकेंसी आ रही है तो 2,00,000×3 करें तब भी तो ऐसे 6-7 लाख लोगों को सीधे तौर पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप गांव के साथ जाएंगे आपको देखने में मिलेगा कि एक संयुक्त परिवार होता है, एक परिवार में 8-10 लोग होते हैं, चाचा होते हैं, बाबा होते हैं, दादी होते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति भी परिवार की सुधरती है ऐसे नौकरियों में जब बच्चे आते हैं तो समाज भी बेहतर होता है। तो इस प्रकार से नौकरियां आने से कहीं ना कहीं एक जो घर की बढ़ोतरी होती है व्यक्तिगत जो सुधार होता है एक जीवन शैली में वो बड़ा बिल्कुल। तो देखिए 40,000 पदों को भरने की बात यहाँ पर हो रही है और हालांकि अभी इसमें वक्त है, लेकिन अगर आप 12वीं पास है तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। उस चर्चा में हमारे पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन भर्तियों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब जब भर्ती की बात आती है तो पारदर्शिता भी एक बड़ा सवाल हो जाता है, साथ ही साथ जो पदों को भरने की बात होती है और जब जब ये चीज आती है तो उनको धरातल पर उतारना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इन भर्तियों को किस तरह से देख रहे हैं, इनकी घोषणा को किस तरह से देख रहे हैं, युवाओं के लिए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, योगी सरकार को युवाओं को रिझाने के लिए, युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा कदम है और योगी सरकार ने ये साबित भी कर दिया है। योगी सरकार ने जो अभी 60,000 से ऊपर जो भर्ती परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी पेपर लीक के और इस तरह से पारदर्शिता के साथ सरकार ने
जो ये करवाया लिखित परीक्षा आयोजित करवाया वो अपने में काबिले तारीफ है। अब रही बारी दूसरे फेज का, तो दूसरे तीसरे, चूंकि ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें आपको 5 चरणों से परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ता है। पहला लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक मापदंड का, फिर रेस का, उसके बाद से फिजिकल होता है, उसे पेपर चेक होता है, फिर मेडिकल होता है, तो कई है उसमें लास्ट में जो चरण होता है उसमें जो सभी फेज में चयनित होते हैं उनको फिर नौकरी पे के लिए रिक्रूटमेंट का लेटर उनको जाता है, वो नौकरी पे ज्वाइन करते हैं। तो सरकार के लिए जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति अभी हाल फिलहाल में बना हुआ था, उत्तर प्रदेश के देश भर में पेपर लीक और ये सब मामले हो रहे थे, उसको लेके ये सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा कदम है और सरकार लगातार जो है सो उसमें भरोसा जगाने में और उसमें सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है जो इसमें आप ये देखिए जो ये भर्ती परीक्षा उस स्थिति में निकल रही है जब 2023 के लास्ट में सरकार ने इसके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए भर्ती निकाला था, नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद फरवरी में इसका पेपर हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये लीक होने के कारण दोबारा से कराया गया तो दोबारा जो हुआ सो बहुत बढ़िया ढंग से सरकार ने पहले चरण का जो आयोजित करवाया है। अब है जो उसके बाद जो इस पेपर में सपोज कीजिए जो जैसे 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया था उसमें से नहीं जा पाए, उसमें से सिर्फ 32 लाख बच्चे विभिन्न कारणों से शामिल हो गए, उनके लिए एक अच्छा मौका अगर उनका उम्र है तो इसमें चूंकि इसमें क्या है इसके आयु सीमा के अगर बात करें हम तो 18 साल से ऊपर और 25 साल के बीच में होना चाहिए। जिस तारीख से नोटिफिकेशन आएगा उसमें सरकार एक तय समय बताएगी जो 1 सितंबर 1 मार्च कुछ इस तरह से सरकार रखती है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही युवा नहीं देश भर के युवा शामिल हो सकते हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में या पुलिस में नौकरी करके देश की सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। और सरकार क्योंकि भर्तियों की जब बात होती है तो विपक्ष भी हमलावर होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए हाँ रोजगार देने की बात पे अभी देखिए जो देश भर में बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा, पिछले चुनाव में भी हमने देखा जो सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, लगातार विपक्ष सरकार पे हमला करता है, इस डिपार्टमेंट इतना वैकेंसी है, इस डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसी है, लेकिन सरकार रिक्रूट नहीं करती। तो इससे इस अगर इस तौर पे देखें तो योगी सरकार का एक सराहनीय कदम है। और युवाओं एक अगर युवा को नौकरी मिलता है तो उससे कई घर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो भरोसे सरकार के प्रति भरोसा कायम हो जाता है और सरकार निष्पक्षता से जो योग्य है उनको नौकरी मिल रही है, जो जिसकी इच्छा है और जिसकी तैयारी वो कर रहा है तो उसको मिल रहा है, इजी भी हो जाएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। कई बार क्या होता है जो युवा तैयारी करते रहते हैं उसे पेपर भी देते हैं, पेपर लीक होता है, पहले वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो फिर पेपर होता है, किसी तरह से पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, या पेपर हो गया रिक्रूटमेंट भी हुआ सब कुछ हो गया उस वक्त फिर कोर्ट में चला जाता है। जैसे आप शिक्षक भर्ती का मामला अभी देखिए जो मतलब है जो अभी कोर्ट में उसका है, कोर्ट में अभी उसका फिर हियरिंग होना है, उसमें 19,000 ऐसे जैसे खबरें आ रही है 19,000 ऐसे जनरल कास्ट के या जनरल कैटेगरी के जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें ये बताया जा रहा है जो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऐसे युवाओं पे नौकरी का खतरा। और देखिए वो लड़ाई संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष तो एक तरफ है ही, लेकिन इस संघर्ष तो इससे क्या होता है युवाओं में निराशा आती है, तो उस निराशा को दूर करने के लिए सरकार इस तरह का कदम उठा रही है और सराहनीय कदम है। बिल्कुल, तो एक सराहनीय कदम है और कहीं ना कहीं जो ख्वाब आप देख रहे हैं, जो सपना आप देख रहे थे यूपी पुलिस में अपनी भर्ती का, वो कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। हालांकि वक्त है तैयारी, लेकिन आप अभी से करेंगे तो शायद आप अपने सपने तक पहुंच सकेंगे, अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर चर्चा पर विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।